इजी फॉल्ट देखते हैं आज की कैसे। अब देखिए SMPS वगैरह सब कुछ चल रहा है, 0-0 आ रहा है, कोई बीप नहीं कर रहा। एक बार बंद करके, कोई भी डेटा में नहीं बन रहा है, बंद करके दिखाता हूँ। देखिए ऑन किया, कोई डेटा नहीं रैम लगाने के बाद। ओके, और VGA केबल भी कनेक्ट करेंगे तो भी यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिलेगा नहीं, बिकॉज कि इसमें एक कॉमन फॉल्ट है और विद इन अ मिनट फिक्स करेंगे इस फॉल्ट को। देखिए नो सिग्नल आ रहा है, तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो बैटरी है आप उसको चेंज करिए, नया लगाइए, सीधा कुछ मत करिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो मैं बैटरी रिप्लेस कर लेता हूँ। नहीं ओके, अब ऑन करते हैं इसको, देखते हैं क्या स्टेटस है इसका। तो देखिए ऑन किया, बंद हुआ और डेटा भी चेंज होगा। देखिए तो अभी कोई चेंजेस नहीं हुआ क्योंकि हीट हो रहा है। तो एक बार हम CPU फैन को कनेक्ट कर लेते हैं, तो फैन को कनेक्ट कर लेते हैं, अदरवाइज ये बंद हो जाएगा क्योंकि काफ़ी टाइम से इसको चलाया था। और देखिए ऑन किया, डेटा 100%, देखिए चेंज हो गया, कोडिंग आया, लेकिन अभी भी हीट है तो इसी वजह से ये बंद हो जा रहा है। तो इस केस में CMOS बैटरी फॉल्टी होती है, चेंज करिए, डिस्चार्ज हो जाता है, आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। देखिए 60 आ गया, ठीक है, और ये बंद हो रहा है। तो थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, तो चालू करते हैं, जितना ठंडा होना हो गया। 60 CMOS चेंज करते हैं, देखिए 60 आ गया, 55 55। तो इट मीन्स जो है हम रैम बदलेंगे और चेक करेंगे। डिस्प्ले नहीं आया क्योंकि रैम की इशू है, दिखा रहा है।